नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहे, रोड टू सक्सेस, रोड टू स्टार्ट। दोस्तों आज बहुत से नए अपने दोस्त लोग आए हैं मेरी फैमिली में, तो दोस्तों मैं उनको कहूँगा कि जो नीचे लोगो आ रहा है उस पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू का लाल बटन दबा दीजिए और ये मेरे जो वीडियोस सबको भेजिए, जितने हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए। उससे क्या होगा, उनको भी फायदा होगा। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहे, ये याद रखिए। दोस्तों आज का विषय है एक्टिंग यानि क्या, एक्टिंग का डेफिनेशन और एक्टिंग कैसे की जाती है, नेचुरल एक्टिंग कैसे की जाती है, उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों एक्टिंग एडवाइस, बहुत से लोगों ने मुझे पूछा था कि सर हमें एक्टिंग एडवाइस दीजिए, हमें कुछ गाइडेंस दीजिए, उससे क्या होगा कि हमें इस एक्टिंग फील्ड में हम बहुत आगे बढ़ सके और अपना मकाम बना सके। तो बहुत सी बार क्या होता है कि मैं दो तीन बातें कहूँगा कि जो नए लोग आते हैं वो डर जाते हैं, यानी पहला शब्द है हेजिटेशन। हेजिटेशन क्यों होता है, क्योंकि हम जो दूसरे वातावरण से इसमें आए हैं तो हमें तो ये नया नया है, ये एटमॉस्फेयर नया नया है, ये सराउंडिंग्स नए नए हैं, जो हमारे ऑडिशन ले रहे वो भी सब नए हैं, तो हमें एक मन में डर रहता है। तो डर छोड़ दीजिए, डर की वजह से, हेजिटेशन की वजह से हम लोग जो भी कुछ कहना चाहते, जो भी कुछ डायलॉग्स कहना चाहते या तो जो भी हमारे से डायलॉग्स हमें दिए गए तो बता नहीं पाते। अगर डायलॉग सही बोल पाते हैं तो हम लोग एक्टिंग नहीं कर पाते, हाव भाव नहीं ला सकते। एक्टिंग करने जाते हैं तो हाव भाव रह जाते। तो दोस्तों ऐसा होता है बहुत सी बार, नए नए लोग होते तो उसमें होता है, हेजिटेशन भी होता है। तो वो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको हेजिटेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं के साथ आपको जीना है, इन्हीं के साथ आगे बढ़ना है, इन्हीं के साथ में रह के कैमरा और ऑडिशन ये तो आपके साथ लगा ही रहेगा। कैमरा और डायरेक्शन, डायरेक्टर, उनके साथ तो आपकी जोड़ी जमी ही रहेगी। तो दोस्तों उनसे दूर भाग के नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये आपके साथ ऐसे घुल मिल गए कि एक्टिंग के साथ इनका जुड़ा अनोखा संबंध है, वो तो जुड़ा ही रहेगा। तो दोस्तों आपको ऑडिशन्स भी देने पड़ेंगे, कास्टिंग डायरेक्टर से भी मिलना पड़ेगा, तो हेजिटेशन निकाल दीजिए। आपको जब कैमरा, बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे दो तीन जन ने पूछा भी है कि सर जैसे हम तो डायलॉग्स एकदम तैयार कर लेते हैं, सब कुछ तैयार हो जाता है, डायलॉग्स भी याद कर लेते हैं, एक्टिंग क्या करेंगे, एक्शन क्या करेंगे, हाव भाव भी सब आ जाते हैं, लेकिन जैसे कैमरा ऑन होता है तो हम डायलॉग भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आपके मन में ये डर होगा कि मैं भूल जाऊँगा तो मैं गलत एक्टिंग कर दूँगा, गलत डायलॉग बोल दूँगा। तो कोई बात नहीं, गलत बोल दे तो क्या हुआ, डायरेक्टर या तो जो भी ऑडिशन ले रहे वो सिर्फ यही देखना चाहते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंस हो। डायलॉग्स तो कुछ भी बोल सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है, कुछ भी बोल सकते हैं, आपके हाव भाव कैसे हैं, एक्सप्रेशन कैसे है, वो ये देखना चाहता है कि कैमरा से आपको डर तो नहीं लगता। तो सबसे पहले आप कैमरा का डर निकालिए। उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि रोज़ रोज़ आप अपने वीडियो शूट कीजिए, देखिए कितने कॉन्फिडेंशियल आप हो, कितने कॉन्फिडेंस से आप बात कर सकते हो, कितने कॉन्फिडेंस से कैमरा के सामने खड़े रह सकते हो और डायलॉग्स बोल सकते हो। डायलॉग्स याद करने के लिए कोई भी डायलॉग्स ले लीजिए, पुरानी फिल्मों के डायलॉग लीजिए, कुछ भी डायलॉग ले लीजिए, लेकिन अपने भाव में, अपने हाव भाव से, अपने आवाज़ से ये कीजिए दोस्तों। और ये हेजिटेशन निकल जाएगा तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि जहाँ आपको जाना है, जो राह पे आपको जाना है, डरना कैसा, डरोगे तो क्या करोगे, ठीक है ना। तो पहली तो बात है हेजिटेशन दूर कीजिए। दूसरा, जब भी आपको ऑडिशंस के लाइन मिले तो ऑडिशंस के लाइन पढ़ लीजिए। ऑडिशंस के लाइन पढ़ने के बाद दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, चार बार पढ़िए, पांच बार पढ़िए, आगे पीछे लाइन हो जाए उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ अपने आप को फील कीजिए, उस कैरेक्टर को फील कीजिए। फील करोगे तो एक्टिंग भी अपने आप हो जाएगी, डायलॉग भी अपने आप आ जाएंगे, हाव भाव भी अपने आप आ जाएंगे। सिर्फ उस एक्टिंग, वो जो कैरेक्टर है उसे फील कीजिए। तो अपने मन में फीलिंग लाइए, वो कैरेक्टर आप ही हो। दो मिनट के लिए सोच लीजिए कि वही कैरेक्टर मैं हूँ, आंखें बंद कीजिए, फिर देखिए चमत्कार। डायलॉग्स भी अच्छे बोलोगे, हाव भाव भी अच्छे दोगे और बहुत नज़दीक पास भी हो जाओ। उसके बाद होता कि बहुत बार हम लोग ये कॉन्शियस हो जाते कि मुझे तो एक्टिंग करनी है, एक्टिंग करनी है तो करनी है, उसमें कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है,
एक्टिंग तो करनी है, लेकिन ये भाव अपने मन में मत लाइए। जैसे हम लोग अभी बोले, जैसे मैं आपसे बातचीत अभी कर रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, वैसे ही बोलिए जैसे लाइफ में आप बोलते हो। लाइफ में कुछ भी होता है तो आप लोग थोड़ी सोच के जाते हैं कि मैं ऐसे बोलूँगा, ऐसे कहूँगा, ऐसे हाथ रखूँगा, ऐसा मुँह करूँगा, ये करूँगा, ये कुछ नहीं होता। तो ये छोड़ दीजिए, एक्टिंग करिए ही नहीं। जैसे आप रोज में बोलते हो वैसे ही बोलिए, तो देखिए कितने सटीक आप एक्टिंग कर पाओगे। बहुत सी बार ऐसा होता है कि आदमी सोचने लगता है कि मैं तो एक्टिंग करूँगा। एक्टिंग करोगे ये सोचोगे तो फिर हाव भाव भूल जाओगे, डायलॉग भूल जाओगे, एक्टिंग कर ही नहीं रहे हो। ऐसे ही सोच के जैसे रोज हम बोलते हैं वैसे ही बात कीजिए, वैसे ही सोचिए। और एक्टिंग के लिए क्या होता है कि किसी ने मुझे पूछा था कि एक्टिंग मीन्स व्हाट, तो मैंने उनको कहा एक्टिंग यानी रिएक्टिंग। सामने वाले ने जो कहा उसको आपने जवाब दिया, वही तो एक्टिंग है। समझो किसी ने आपको बुलाया तो आप सीधे बोलोगे हाँ बोलो क्या है, तो उसमें आपको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, वो नेचुरल हो जाता है जो रोज हम लोग करते हैं। तो रिएक्टिंग जो करते हैं वही एक्टिंग है, वही उसका डेफिनेशन है। और अपने मन में किसी भी तरह का डाउट मत रखिए कि मैं सही बोल रहा हूँ या मुझे इतने लोग देख रहे हैं, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। गलत बोल रहे हो तो बोलिए, कुछ नहीं। अगर गलत भी आप डायलॉग, बहुत बार क्या होता है हम लोग स्टेज पे देखते हैं कि कोई आर्टिस्ट डायलॉग भूल जाता है तो कुछ भी बोलता है, तो ऐसे ही बोलता है जैसे, क्योंकि पब्लिक को तो मालूम ही नहीं है कि आपके डायलॉग्स क्या है। तो जो भी आप बोलोगे पब्लिक समझ जाएगी आप ही के डायलॉग है, और जब लाइन याद आ जाए तो उसको लाइन को पकड़ के वो डायलॉग्स पूरे करिए। सामने वाला कैरेक्टर है वो समझ जाएगा कि आप डायलॉग बोल रहे हो, लेकिन आपने कवर कर लिया तो वो आपकी एक्टिंग में गिरा जाएगा। तो दोस्तों डरिए मत, डायलॉग भूल गए तो कोई बात नहीं। और बंबैया भाषा में कहूँ, पांचवा, बिंदास परफॉर्म कीजिए। बिंदास वर्ड ये है कि डरे बिना, किसी से सोचे बिना, कुछ क्या कर रहे हो वो सोचो ही मत, फ्री हो जाइए। अपने माइंड में से निकाल दीजिए कि आप एक्टिंग कर रहे हो, आप रिएक्टिंग कर रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों ये बातें कुछ है जो मैंने आपको बताई, आप लोग याद रखिए और फ्री होके जाइए। मन में कुछ रखिए नहीं कि मैं ऑडिशन देने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ। ठीक है ऑडिशन देने जा रहे हो, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा सोचिए मत। हाँ, जो आपको लाइन दी है उसके बारे में थोड़ा सोचिए, और मन में सोचिए कि ये कैरेक्टर क्या होगा, उसके हाव भाव क्या होंगे। डायलॉग्स की वजह से, डायलॉग सुनोगे पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये किस टाइप का कैरेक्टर है, क्या कर रहा होगा और सिचुएशन क्या होगी। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो आपको बतानी थी। मेरे वीडियोस आप लोग को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे शेयर्स करते हैं, तो दोस्तों आपके दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और नए जो आए हैं अभी अभी वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही मिलेंगे किसी नए वीडियो में। आपके प्रश्न मुझे पूछ सकते हो, इंस्टा पे भी पूछ सकते हो और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, तो मैं अपना नंबर दे दूँगा। दोस्तों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स।